हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉस्मोस। तो लीजिए, आपके सामने एक नया वीडियो स्टार्ट है, बाल विकास का पार्ट टू। ये वीडियो ध्यान रहे, ये बाल विकास को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता है और ये सीटेट के पैटर्न पर आधारित है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था और शारीरिक विकास। शैशवावस्था को आज हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास यद्यपि जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, ये हमें पता है। शारीरिक विकास का तात्पर्य शरीर के अंगों में वृद्धि, शारीरिक मतलब शरीर और विकास तो उसके अंगों में वृद्धि, उनकी परिपक्वता एवं क्रियाशीलता से होता है। शैशवावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास निम्नलिखित रूपों में होता है। फर्स्ट, आकार एवं भार। शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक रहती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई प्राय 51 सेंटीमीटर होती है, जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है। प्रथम 6 माह में दोगुना अर्थात 6 से 7 किलोग्राम हो जाता है और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना भार हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक यह भार 5 से 6 गुना तक हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है मांसपेशियां एवं हड्डियां, इनमें क्या वृद्धि होती है उसको देखते हैं। नवजात शिशु को मांसपेशियों के भार में भी धीरे धीरे आयु के साथ वृद्धि होती है। शिशु की बाहों एवं भागों का विकास भी इस अवस्था में तीव्र होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं 2 गुनी तथा टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। मांसपेशियां काफ़ी दृढ़ हो जाती हैं। शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती है और उम्र बढ़ने के साथ धड़कन में स्थिरता आ जाती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं मस्तिष्क। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। शिशु के शरीर की लंबाई पूरे शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई व आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु बाद में यह गति कम हो जाती है और इस अवस्था के अंत तक इसका भार 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस अवस्था के अंत तक इसका भार 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है, कह सकते हैं यानी 1.25 किलो हो जाता है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं पाचन तंत्र। अमाशय का आयतन व आंतों की पाचन शक्ति आयु के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा ठोस आहार ग्रहण करता है उसका पाचन तंत्र सशक्त होने लगता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर व मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। उसके शरीर के प्राय सभी पदार्थ कार्य करने लगते हैं। शैशवावस्था के अंत तक शिशु शारीरिक रूप से स्वतंत्र एवं कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। इन पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शैशवावस्था और मानसिक विकास। शैशवावस्था में मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। इस विकास के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। जन्म से प्रथम वर्ष
जन्म से लेकर प्रथम 5 माह में शिशु क्रमशः रोना एक काफ़ी छोटी छोटी बातें पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि जन्म से लेकर 5 माह तक, प्रथम 5 माह तक शिशु क्या करता है, क्रम से रोना, हाथ पैर मारना, जोर से आवाज़ करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, माँ को देखकर मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़कर मुंह से 10 माह तक की अवस्था में नाम बोलना, गेंद फेंकना, ढक्कन खोलना, ताली बजाना, आसपास के वातावरण को पहचानना, वस्तुओं को छूना, तोड़फोड़ करना आदि कार्य करने लगता है तथा चलने का प्रयास करने लगता है। आगे बढ़ते हैं दूसरा वर्ष। 2 वर्ष की अवस्था होने पर शिशु वाक्यों की रचना, वस्तुओं के नाम बताने लगता है, सरलता से चलने लगता है तथा अपनी आवश्यकताएं भी बताने लगता है। 3रा वर्ष आते आते बालक पूछने पर अपना नाम बता देता है, हाथ लगाकर शरीर के अंगों को बताना। 3रे वर्ष के अंत तक कुछ बड़े वाक्यों की रचना भी करने लगता है, वस्तुओं को यथा स्थान रखना आदि कार्य करने लगता है कि वस्तु कहाँ से उठाई है और हमें उसी जगह रखनी है। 4था वर्ष, 4थे वर्ष में छोटे बड़े में भेद करना, चित्रों के बारे में पूछना, गिनती याद करना, अक्षर लिखना, वस्तुओं को क्रम में रखना आ जाता है। 5वां वर्ष आते आते बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास तेजी से होता है, रंगों को पहचानने लगता है, 15-20 तक गिनती याद कर लेता है, सही वाक्य बोलना, आदेशों का पालन करना तथा माता पिता के कार्यों में सहायता करने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शैशवावस्था और सामाजिक विकास। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है, जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरी व्यक्तियों के साथ साथ उसके संपर्क से प्रारंभ होती है। जन्म के कुछ दिनों तक शिशु सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं समझता है, लेकिन माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के बार बार संपर्क में आने से कुछ दिनों में ही यह भेद समझने लगता है। यहीं से उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जन्म के समय क्या होता है, या जन्म के आज समय के आसपास उसके लोग नहीं होते, वो जानता नहीं है। जब वो धीरे धीरे माता पिता के संपर्क में आता है तो एक सामाजिकरण उसका स्टार्ट हो जाता है, समाज को अच्छे से समझने लगता है। शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्षों में शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवृत्तियात्मक होता है, वे स्व केंद्रित होते हैं और अपना स्वयं का सुख ही उनके लिए सब कुछ होता है। ये तो हम भी जानते हैं, जो उन्हें पसंद होता है वो वही करते हैं। 2 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते करते वह अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य स्थायी सदस्यों के साथ हिल मिल जाता है, कभी कभी उनके कार्यों में सहयोग भी करने लगता है तथा अपने को परिवार का सक्रिय सदस्य समझने लगता है। 3रे वर्ष में बालक दूसरे बालकों से खेलने तथा छोटे छोटे कार्य करने लगता है, इस प्रकार अपने साथियों से सामाजिक संपर्क स्थापित करने लगता है। 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था के दौरान वह नर्सरी कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ने जाने लगता है, वहाँ नए मित्र, नई भाषा, व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता आदि से परिचित होता है और अपने को उस वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करने लगता है।
और इस अवस्था के अंत तक बालक में उग्रता, स्वार्थ आदि, समाज विरोधी तथा उदारता, दया, प्रेम एवं सहानुभूति आदि समाज अनुमोदित एवं अनुकूलन प्रवृत्तियों का भी विकास होने लगता है। ये सब इसी वजह से होता है कि वो नए नए बच्चों से मिलता है, नए लोगों से मिलता है, अध्यापक से मिलता है, तो उनके विचार उसमें भी धीरे धीरे समाहित होने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था और संवेगात्मक विकास। जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक विकास व्यवहार आरंभ हो जाता है। नवजात शिशु में तेज आवाज से भय, उसकी शारीरिक गति में बाधा डालने से क्रोध और उसको थपथपाने व दुलारने से प्रेम के संवेग की उत्पत्ति होती है। जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं केवल उत्तेजना मात्र होती हैं। जब वह 3 माह का हो जाता है तब उसमें कष्ट और आनंद के संवेग दिखाई पड़ते हैं। 6 माह की आयु में उसमें भय और क्रोध के संवेग दृष्टिगोचर होते ही 1 वर्ष की आयु में शिशु प्रेम और उल्लास तथा 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या का संवेग दिखाई देने लगता है। 2 वर्ष की आयु में शिशु पहले से अधिक प्रसन्नता और आनंद, क्रोध व घृणा तथा भय दिखाने लगता है। आयु बढ़ने के साथ संवेगों की तीव्रता बढ़ने लगती है। लगभग 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशुओं में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शैशवावस्था एवं शिक्षा। शैशवावस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है तथा इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो सके। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। फर्स्ट, उपयुक्त वातावरण। शिक्षा अगर देनी तो उनके लिए एक उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। तो शिशु का विकास उपयुक्त वातावरण में ही संभव हो पाता है। अतः उसके शैक्षिक विकास हेतु घर एवं विद्यालय दोनों जगह अच्छे एवं उपयुक्त वातावरण के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है उचित पोषण। शिशु के शारीरिक विकास के लिए उचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। संतुलित भोजन से बालक का शारीरिक विकास उत्तम प्रकार से होता है। अतः इन बातों का अभिभावक एवं अध्यापकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जिज्ञासा की संतुष्टि। इस अवस्था में शिशु की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। इस माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने लगता है। अतः इस अवस्था में माता पिता एवं शिक्षकों को बालक के प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। सीधी बात है, बालक के मन में कोई भी जिज्ञासा है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, अच्छे से उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जिससे वो जिज्ञासा शांत हो सके। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए उन्हें शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षकों एवं अभिभावकों को इसका ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, आत्मनिर्भरता की शिक्षा। शैशवावस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने देना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आत्म प्रदर्शन के अवसर। छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है।
अध्यापकों एवं अभिभावकों को बच्चों की इस भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें इसके प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। सेवेंथ पॉइंट देखते हैं, खेल द्वारा सिंचाई। चाहिए बहुत इंटरेस्टिंग है और उपयोगी है बच्चों के लिए, मानसिक व शारीरिक दोनों विकास के लिए। शिशु को खेल में जन्म से ही रुचि होती है, यह शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार होता है, अतः शिशु को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिसमें वह खेल खेल में ही शिक्षा में रुचि ले सके। एट्थ पॉइंट है, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। शिशु बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने के अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है, मानसिक क्रियाओं के अवसर। शिशुअवस्था में मानसिक क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है, अतः अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को ध्यान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं को करने के लिए उचित अवसर प्रदान करें। टेंथ पॉइंट है, शिशुअवस्था के प्रारंभ में शिशु एकांत प्रिय होता है, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को सामाजिक बनाया जाता है। अतः इस अवस्था में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो सामाजिकरण में शिशु का मार्गदर्शन कर सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, शिशुअवस्था में वैयक्तिक भिन्नता पर उचित ध्यान। ये क्या है, घर एवं विद्यालय में बच्चों को उनकी रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, बुद्धि आदि को ध्यान में रखकर उनके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह यहाँ हमने आज शिशुअवस्था को कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाल्यावस्था और शारीरिक विकास को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी और बाल्यावस्था के, बाल विकास के जितने भी चैप्टर्स हैं हम उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।